अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू डाइव इनटू स्किल्स। आज के इस लेक्चर में हम HTML में टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सीखेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप अपडेट रह सकें। वेलकम बैक। तो हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बेसिकली ये है कि हम डॉक्यूमेंट्स में बोल्ड यूज़ करते हैं, यानी कि टेक्स्ट को बोल्ड कर देते हैं या इटैलिक कर देते हैं या उसे हाईलाइट कर देते हैं या उसे, यानी कि अगर हमने डिलीटेड टेक्स्ट शो करना हो तो उसे हम स्ट्राइक थ्रू दे देते हैं या अगर हमने अंडरलाइन करना हो तो अंडरलाइन कर लेते हैं, उसे सबस्क्रिप्ट कर देते हैं या सुपर सबस्क्रिप्ट कर देते हैं उसे। तो बेसिकली टेक्स्ट फॉर्मेटिंग यही है। अगर हमने अपने यानी कि पैराग्राफ या हेडिंग में HTML के थ्रू अगर ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देनी हो तो वो कैसे देंगे, आज के इस लेक्चर में हमने ये देखना है। तो HTML में इनके टैग्स हैं कि अगर आपने बोल्ड करना है तो आप B का टैग लगाएंगे, अगर आपने इटैलिक करना है तो I का टैग लगाएंगे, और अगर आपने यानी कि मार्क करना है या हाईलाइट उसे देख करना है तो मार्क का टैग आप यूज़ करेंगे, और इसी तरह डेल का टैग है। डेल टैग यानी कि हम अंडरलाइन या उसे स्ट्राइक थ्रू, सॉरी अंडरलाइन नहीं, उसे यानी कि डिलीटेड टेक्स्ट शो करने के लिए या अंडर यानी कि स्ट्राइक थ्रू देने के लिए यूज़ करते हैं, और यू का टैग है, यू टैग बेसिकली अंडरलाइन करने के लिए यूज़ होता है, और सब का टैग है सब सबस्क्रिप्ट के लिए, और सुप का यानी कि SUP का टैग है जो ये सुपरस्क्रिप्ट के लिए यूज़ होता है। तो चलें अब हम एक प्रैक्टिकल कर देख लेते हैं, इन सब का यूज़ कर देखते हैं। तो ये देखें मैं फोल्डर में आ गया हूँ, तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करके VS कोड ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे ओपन विद कोड मैं ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, यहाँ पर VS कोड ओपन हो जाएगा। तो ये देखें यहाँ पर ये VS कोड ओपन हो गया। यहाँ पर हम एक HTML की फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये न्यू फाइल के आइकन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर फाइल का नेम दे देता हूँ मैं, जैसा कि मैं फाइल का नेम दे देता हूँ HTML क्लास। HTML class.html की आप एक्सटेंशन देंगे और इंटर कर देंगे तो ये HTML की फाइल बन जाएगी। जब आप फर्स्ट टाइम VS कोड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा फाइल क्रिएट करने में लोड लेता है, तो यहाँ पर ये थोड़ा सा टाइम लेगा और टाइम लेने के बाद ये फाइल क्रिएट कर देगा। तो ये देखिए ये फाइल बन गई है। यहाँ पर मैं वो जो मैंने आपको एक्सटेंशन इंस्टॉल करवाई थी तो वो यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर HTML की बॉयलर प्लेट यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं कुछ भी लिखने से पहले इसे ओपन विद लाइव सर्वर कर लेता हूँ ताकि जो हम लिखे हैं तो उसे हम लाइव चेक करते रहें कि वो कैसे यानी कि हमारे फाइल में शो होगा। तो ये देखें यहाँ पर ये ब्लैंक पेज ओपन हो गया क्योंकि अभी तक हमने HTML में कुछ लिखा नहीं है, तो यहाँ पर वो इस वजह से शो नहीं हो रहा। अच्छा, अगर आप ये देखें आपने अभी यहाँ पर VS कोड में ओपन किया, इसे यहाँ पर आपने पहले फाइल क्रिएट की एंड देन फिर उसे यहाँ पर आपने HTML की बॉयलर प्लेट ऐड की और फिर आपने ओपन विद लाइव सर्वर करके यानी कि लाइव सर्वर ओपन किया और फाइल आपने चेक की कि कैसे शो हो रही है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक यानी कि वेबसाइट है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो वो वेबसाइट है बेसिकली है ड्रीम कोड। आप लिखेंगे dreamcode.diveintoskills.com। बेसिकली ये टूल मेरा अपना ही है, तो आप जैसे ये इंटर होंगे इधर, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बेसिकली ये एक ऑनलाइन कोड एडिटर है जिसमें आप HTML, CSS और JavaScript लिख सकते हैं, और जैसे ही आप लिखेंगे यहाँ पर आपको लाइव वो चेंजेस शो कर देगा। यहाँ पर आपको HTML की बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखें यहाँ पर ये HTML का बॉक्स है, साथ CSS का बॉक्स है। यहाँ पर आप CSS लिख सकते हैं, HTML के बॉक्स में आप HTML लिख सकते हैं, और JS यानी कि JavaScript है तो यहाँ पर आप JavaScript लिख सकते हैं। तो इस वक्त अभी हम HTML सीख रहे हैं और हमारे अभी CSS और JavaScript नहीं आती, तो आप इन्हें क्लोज भी कर सकते हैं। ये देखें तो ये आपका HTML का पैनल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अब आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो आपको लाइव यहाँ पर शो हो जाएगा, आपको दोबारा रिफ्रेश करने की या लाइव सर्वर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपको HTML की बॉयलर प्लेट लिखने की ज़रूरत है। तो यहाँ आप डायरेक्ट अपना यानी कि HTML का टैग लिखेंगे और वो यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर मैं आपको हेडिंग 1 की यानी कि हेडिंग के टैग लगाकर दिखाता हूँ एक,
जैसे यहाँ पर मैं H1 का टैग लगाता हूँ और पहले इसे क्लोज कर लेते हैं, और अब मैं यहाँ पर ये देखें यहाँ पर हेडिंग लिख देता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा ये देखें यहाँ पर ये लाइव साथ शो कर रहा है आपको। इसी तरह अगर आप यहाँ CSS लिखेंगे तो वो यानी कि रन टाइम पर आपको यहाँ पर शो हो जाएगी, जैसे ही आप लिखेंगे तो यहाँ पर वो अप्लाई हो जाएगी। जैसे ये अभी मैंने हेडिंग 1 लगाई थी, यहाँ पर एक हेडिंग 2 या हेडिंग 3 हम लगा लेते हैं, मैं H3 की हेडिंग लगा लेता हूँ। जैसे मैं हेडिंग 3 लिख कर देता हूँ इधर, तो ये देखिए हेडिंग 3 का टैग मैंने जैसी लगाया यहाँ पर ये शो हो गई है। तो इस तरह ये आप इसे यूज़ कर सकते हैं। ये वेबसाइट, अगर आप वेबसाइट बार बार ओपन नहीं करना चाहते तो जैसे ही आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, थोड़ा सा इसे यूज़ करेंगे तो थोड़ी देर बाद आपको यहाँ पर ये इंस्टॉल का बटन शो करेगा। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपसे वो पूछेगा इंस्टॉल करने का, तो आप इंस्टॉल पर क्लिक कर देंगे तो ये आपके यानी कि विंडो में एज अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन इसे इंस्टॉल कर देगा। तो ये यहाँ पर आपको यानी कि डेस्कटॉप एप्लीकेशन के तौर पर इंस्टॉल कर देगा। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ डेस्कटॉप पर आइकन भी आ जाएगा, ये ड्रीमकोड का ब्राउज़र बेस्ड IDE यानी कि लिखा हुआ आ जाएगा टेक्स्ट। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपके यानी कि सॉफ्टवेयर ओपन कर देगा। ये देखें यहाँ पर ये थोड़ा सा लोड लेगा और यहाँ पर ये ओपन कर देगा। अच्छा, इसका एक और बेनिफिट ये है कि आप यहाँ पर यानी कि अब मैं यहाँ पर ये कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ या आप प्रैक्टिस के लिए कुछ कोड लिखेंगे HTML का, तो आप इसे यानी कि क्लोज कर देते हैं या आपका PC बंद हो जाता है तो ये जो आपने कोड लिखा है ये आपका सेव होगा। अब जैसे ये मैं इसे बंद कर देता हूँ और दोबारा ओपन करता हूँ, तो जैसे ही ओपन करूँगा जहाँ से मैंने यानी कि कोड लिख कर छोड़ा था वहीं से ये ओपन होगा। तो इससे आपको यानी कि फ़ाइल सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो यानी कि कोड लिखेंगे अगर इसे बंद भी कर देते हैं तो आप इसे दोबारा जैसे ही ओपन करेंगे वहीं से कोड आपका वो सेव होगा। तो चलें फिर मैं अब VS कोड में अगेन वापस चला जाता हूँ, और यहाँ पर अब हम थोड़ा सा वो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पैराग्राफ लिख लेता हूँ 100 वर्ड्स का, फिर उसमें आपको यानी कि सारे टैग्स यूज़ कर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर पहले हम पैराग्राफ का टैग लगा लेते हैं। यहाँ पर मैं लॉरम यानी कि लॉरम टेक्स्ट ले लेता हूँ, डमी टेक्स्ट होता है, 100 वर्ड्स का ले लेता हूँ ये। तो ये आ गया यहाँ पर 100 वर्ड्स का टेक्स्ट आ गया। मैं यहाँ पर इसे ब्रेक कर लेता हूँ। अच्छा, ये देखें मैंने यहाँ पर ये लाइंस ब्रेक कर दी यानी कि इंटर करके लाइन ब्रेक की है, लेकिन जब आप इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये आपको यानी कि कोई लाइन ब्रेक नहीं होगी। ये HTML का बेसिकली एक फीचर है कि अगर आप यहाँ पर यानी कि स्पेस दे देते हैं सिंगल स्पेस तो वो तो सिंगल स्पेस शो होगी, लेकिन अगर आप एक से ज़्यादा बार यानी कि स्पेस बार देकर स्पेस देते हैं तो वो HTML जैसी आपकी रन होगी ब्राउज़र में तो वो जस्ट एक यानी कि स्पेस बार की स्पेस शो करेगी, मल्टीपल स्पेसेस नहीं शो करेगी। और यहाँ पर यानी कि अगर आप इंटर करके लाइन ब्रेक कर लेते हैं तो वो लाइन ब्रेक आपको ब्राउज़र में नहीं शो होगी, ये आपको एज अ एक लाइन ही शो होगी। अगर आपने यहाँ पर लाइन ब्रेक करनी है तो आप लाइन ब्रेक का टैग यूज़ करेंगे। लाइन ब्रेक के लिए टैग है BR का टैग। जैसे मैं यहाँ पर ये देखें लाइन ब्रेक कर दिखा देता हूँ आपको, BR का टैग लगाएंगे आप तो अब ये जैसे ही रिफ्रेश करेंगे तो ये यहाँ पर लाइन ब्रेक हो गई है, ये देखें। अगर मैं यहाँ पर जैसे अगर लाइन ब्रेक करना चाहता हूँ तो यहाँ पर भी BR का टैग लगा दूंगा, ये देखें BR का टैग लगाया, सेव करूँगा और यहाँ पर ये ऑटो रिफ्रेश हो जाएगा और ये देखें ये यहाँ पर ये लाइन ब्रेक हो गई है। अब हम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के टैग्स यूज़ कर देख लेते हैं। तो ये देखें जैसे मैं अगर ये लॉरम इप्सम का जो ये टेक्स्ट है इसे मैं बोल्ड करना चाहता हूँ, अब ये देखें यहाँ पर ये नॉर्मल टेक्स्ट यानी कि जिस तरह पैराग्राफ है ये इसी तरह शो हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जो लॉरम इप्सम है ये बोल्ड शो। तो बोल्ड के लिए बी का टैग है, हम बी का टैग यूज़ करेंगे अब। तो यहाँ पर मैं बी का टैग ओपन कर देता हूँ, तो जैसे ही आप ये टैग लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये क्लोजिंग टैग भी लगा देगा, तो आप इसे कट कर यहाँ पर पेस्ट कर दें जहाँ तक आपने यानी कि टेक्स्ट बोल्ड करना है। तो आपने जो भी टेक्स्ट यानी कि बोल्ड करना है वो आप इस टैग के अंदर देंगे, और आप रिफ्रेश कर लेते हैं इसे तो ये देखें ये लॉरम इप्सम का वर्ड यहाँ पर बोल्ड हो गया। अब ये जो बाकी टेक्स्ट है इसे हम इटैलिक कर देख लेते हैं। तो ये यहाँ पर इटैलिक के लिए I का टैग लगाएंगे आप,
तो ये देखिए ऑटो यहाँ पर क्लोज टैग हो गया, मैं इसे यहाँ से कट करके इधर पेस्ट कर देता हूँ और सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो ये देखें ये वाला टेक्स्ट अब इटैलिक हो गया। अब हम यहाँ पर ये वाली लाइन मार्क कर कर देख लेते हैं, यानी कि मार्कर टैग यूज़ कर लेते हैं। मार्क से बेसिकली ये होगा कि हाइलाइटेड हो जाएगा, तो इसके लिए मार्क का टैग लगाएंगे आप। और जो टेक्स्ट यानी कि जितना आपने मार्क करना है तो आप वहाँ उस टेक्स्ट में ये मार्क का टैग दे देंगे। तो सेव किया, रिफ्रेश होगा ये, तो ये देखें ये मार्क हो गया यानी कि हाइलाइटेड हो गया टेक्स्ट। अब मार्क के बाद हम यानी कि डिलीटेड टेक्स्ट या फिर स्ट्राइक थ्रू का चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए आप डेल यानी कि DEL का टैग लगाएंगे और दोबारा यहाँ से ऑटो क्लोजिंग टैग यहाँ से आप कट करके जितने टेक्स्ट आपने यानी कि फॉर्मेट देना है उसे तो वो कर लें, उसके दरमियान यानी कि देकर उसके बाद ये आप पेस्ट कर दें। तो आप सेव करके इसे ऑटो रिफ्रेश होगा ये, तो ये देखें ये टैग सारा स्ट्राइक थ्रू आ गया, डिलीटेड टेक्स्ट जो हो रहा है। अब डिलीटेड टेक्स्ट के बाद हम यहाँ पर अंडरलाइन इसे करके देख लेते हैं। अंडरलाइन के लिए आप यू का टैग यूज़ करेंगे तो ये अंडरलाइन हो जाएगा यहाँ पर। इसे कट करके मैं ये इतना टेक्स्ट अंडरलाइन कर लेता हूँ, सेव करूँगा इसे, ये रिफ्रेश होगा अब यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर ये टेक्स्ट अंडरलाइन हो गया। अब अंडरलाइन के बाद आप यहाँ पर सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट का टैग देख लेते हैं हम। जैसे मैं यहाँ पर एक और टेक्स्ट लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट। ये वैसे लाजमी नहीं, मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर आप सबस्क्रिप्ट का टैग लगाएंगे, तो आप यहाँ पर लिखेंगे सब, तो ये ऑटो क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं सबस्क्रिप्ट लिख देता हूँ, रिफ्रेश करूंगा इसे, तो ये देखें ये नॉर्मल टेक्स्ट था और ये अब इसकी सबस्क्रिप्ट यानी कि इसे शो कर रहा है। और इसी तरह मैं इसे दोबारा अगेन कॉपी करके अब मैं इसे सुपरस्क्रिप्ट बनाकर दिखा देता हूं आपको एक। तो अब यहां पर ये सुपरस्क्रिप्ट लगाने के लिए मैं सबका टैग हटा रहा हूं यहां से और सुपरस्क्रिप्ट का टैग लगा लेते हैं, यानी कि SUP आप लिखेंगे और जैसे ही क्लोज करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्लोज का टैग लग जाएगा। अब यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखेंगे वो सुपर स्क्रिप्ट बन जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर अपना नाम लिख देता हूँ, अहमद लिख देता हूँ मैं, और सेव करता हूँ तो ये रिफ्रेश होगा। तो ये देखें ये नॉर्मल टेक्स्ट है और ये सबस्क्रिप्ट बन गई है। तो ये आज की वीडियो थी, आज की वीडियो में हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को सीखा। आज की इस वीडियो में हमने देखा कि हम टेक्स्ट को कैसे फॉर्मेट दे सकते हैं, जैसा कि बोल्ड है, इटैलिक हो गया, मार्कडाउन हो गया यानी कि उसे हाईलाइट भी हमने करके देखा, उसे स्ट्राइक थ्रू भी देकर देखी और सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट बनाकर देखा। तो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएंगे कि आपको कितनी समझ आई है और इसकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि वेब डेवलपमेंट सीखना चाहते हैं। थैंक यू।